कोई गवाह नहीं है। चाहते तो हजरत अली झूठे गवाहों की लाइन लगा देते। अमीरुल मोमिनीन की बात कौन नहीं मानता, मोदी की बात कौन नहीं मानेगा, सब मान रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन तक तो उनकी बात मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक तो उनकी बात मान रहा है, सीबीआई ईडी सब तो उनकी बात मान रहे हैं। तो हजरत अली की बात कौन नहीं मानता। चाहते तो झूठे गवाहों की लाइन लगा देते, लेकिन हजरत अली ने इंसानियत दिखाई और क्या कहा, बेटे और गुलाम के अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं है, आपको जो फैसला सुनाना हो सुनाओ। काजी शुरह कलम चलाते हैं, हजरत अली अपनी जिरा की गवाही के लिए पक्के सबूत नहीं दे सके और सच्चे गवाह नहीं दे सके, बेटे की और गुलाम की गवाही काबिल कबूल नहीं है, इसलिए जिरा की गवाही किसी दूसरे आदमी के जरिए नहीं मिल सकी, इसलिए हजरत अली का फैसला खारिज किया जाता है, हजरत अली का दावा खारिज किया जाता है और ये जिरा यहूदी को दी जाती है और यहूदी इस जिरा का मालिक रहेगा। इस्लामी कंट्री में इस्लामी अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है और फैसला सुनाने वाला हजरत अली का बनाया हुआ काजी काजी शुरह है, जिसको हजरत अली ने काजी बनाया है, और एक मामूली यहूदी को हक दिया जा रहा है कि ये जिरा तुम्हारी है। गौर करो हजरत अली की कितनी बड़ी इंसल्ट हो रही है, बड़ी अदालत में, बड़े मजमे में, लेकिन काजी शुरह ने कोई परवाह नहीं की है। अमीरुल मोमिनीन हैं आप, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन फैसला सुनाने का हक मुझे है। कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला सुनाया, आप सच्चे और पक्के गवाह पेश नहीं कर सके, लिहाजा जिरा उसी की मानी जाएगी जिसके पास जिरा है। अय यहूदी, इस जिरा के मालिक तुम हो। वो यहूदी जब कोर्ट से निकलता है, कटघरे से निकलता है, वो यही देखना चाह रहा था कि देखें इस इस्लामी कंट्री के अंदर हजरत अली के बनाया हुआ जज क्या फैसला करता है। जैसे ही उस यहूदी ने ये फैसला अपने आप में सुना, वो जिरा लेकर बाहर आया और कोर्ट के कचहरी के अदालत के दरवाजे पर खड़ा होकर सारे लोगों के सामने कहता है, जज साहब आपने फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाया, आप काबिले मुबारकबाद हैं, अब मेरा दावा सुनिए और अब मेरी तरफ से भी ऐलान सुनिए। काजी साहब आपने जो फैसला सुनाया मेरे हक में वो सही है, मैं यही देखना चाहता था कि बेटे की और गुलाम की गवाही आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपने नहीं मानी, आपने अच्छा काम किया, लेकिन अब मैं भरे मजमे में ऐलान करता हूं ये जिरा हजरत अली ही की है, ये जिरा अली ही की है, वो अपने घर के दरवाजे पर इस जिरा को छोड़ गए थे, उनका गुलाम पानी लेने चला गया, तन्हाई का फायदा उठाकर उनकी इस जिरा को मैंने ले लिया, 6 महीने तक छिपाए रखा और 6 महीने के बाद उसको हजरत अली के सामने लेकर आ गया कि देखें 6 महीने के बाद ये पहचानते या नहीं पहचानते। इन्होंने पहचान लिया, मुकदमा दायर किया, मैं कहता था ये जिरा मेरी, ये कहते थे मेरी, अब मैं कोर्ट के जरिए इंसाफ देखना चाहता था, कोर्ट ने भी मेरे हक में सच्चा इंसाफ किया। अब इस इंसाफ का और कुरान और हदीस की तालीम का तकाजा ये है कि मैं जिसकी जिरा है उसको वापस कर दूं और इस बात का एतराफ करूं ये जिरा मेरी नहीं है। हजरत अली के हाथ में वो जिरा देते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन ये जिरा आपकी है, आज मैं भरे मजमे में जिरा आपको दे रहा हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो वो जिरा अपने हाथ में लेते हैं, ये जिरा दे रहे हैं, वो जिरा ले रहे हैं। उस यहूदी ने कहा अली आज अपने खिलाफ आपने खामोशी के साथ फैसला सुन लिया, न काजी को हटाया, न जज को डांटा, न आपने इस फैसले के खिलाफ कोई हुक्म जारी किया, आपके सब्र ने मुझे मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि आप जिस मजहब पर अमल कर रहे हैं उससे प्यारा मजहब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब आए काजी साहब भरे मजमे में मेरा ऐलान सुनिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं, मैं भी उसी मजहब से अपना रिश्ता जोड़ रहा हूँ जो इतना ज़्यादा इंसाफ
पसंद है और इतना ज़्यादा इंसाफ परस्त है, मैं उसी मज़हब से अपना रिश्ता जोड़ रहा हूँ। काजी ने ये नहीं देखा कि किसके खिलाफ फैसला जा रहा है। इसी को कुरान कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ का मर्डर, इंसाफ का खून करने के लिए मजबूर ना कर दे। दुश्मनी अपनी जगह पर हो सकती है, लेकिन उस दुश्मनी की वजह से आप सही इंसाफ ना करो। ये फैसला मेरे दुश्मन के लिए कैसे जा रहा है? इंसाफ का मर्डर। क्या समझा आपने कुरान की इस आयत से? क्या फैसला लेते हैं आप? इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स कौन दे रहा है? मिस्र का गवर्नर बनाया था हजरत उमर फारूक ने हजरत आमर इब्न आस को। सुनिए, अब हम यहां कहां रखेंगे? देखिए ये लीजिए, अब हम पकड़ के पिएंगे बोलेंगे, अब ऐसे करेंगे तो पीछे नहीं जाएगी शायद। थोड़ी सी इतना तो सेंस होना चाहिए आदमी के पास, या तो यहां कोई चीज रखी हो तो चलो बस पीते जाए रखते जाए। आइए और सुनिए, आज बहुत सी गिरहें और बादल छटेंगे, लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि इस्लाम ने इंसानियत का इतना बड़ा मकाम बताया है। अब ये भी गलत है उल्टी तरफ रखना, उसमें भी कीड़ा जा रहा है मच्छर। एक और वाकया सुनिए, आप सुनने के मूड में है ना, तो आप सुनिए और इंसाफ करिए। आप तो अपने बेटों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते हो, अपनी औलाद, चार बेटे हैं, जिस बेटे ने ज़्यादा खातरी की इसको ज़्यादा दे दो, ये इसने ज़्यादा देख रेख की मेरी, इसको मरने दो कमीने। बट तुम अपने औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते हो। कुरान तो ये कहता है कि दुश्मनों के साथ भी तुम्हें इंसाफ करना है, गैर मुस्लिमों के साथ भी तुम्हें इंसाफ करना है, अदल का तकाजा ये। मिस्र का गवर्नर बनाया था, और सुनिए बड़ा दिलचस्प वाक्य, दिल कांप जाएंगे तुम्हारे, दिल थर्रा जाएंगे, ऐसा इंसाफ। हजरत उमर फारूक ने मिस्र का गवर्नर बनाया, किसको? अमर इब्ने आस, अमर इब्ने आस को। मिस्र के अंदर अमर इब्ने आस का बेटा घोड़ा दौड़ा रहा था, और उसने नारा लगाया, क्या मुझसे भी ज्यादा तेज रफ्तार में कोई घोड़ा चला लेगा? तो एक यहूदी बच्चा था, छोटा बच्चा, उसने अमर इब्ने आस के बेटे से कहा, आओ मुकाबला कर लेते हैं। कहा, आओ कर लो। दोनों लोगों के घोड़े एक साथ चले, 1 2 3 हुआ, दोनों के एक साथ घोड़े चले। यहूदी बच्चे ने किसी तरीके से एक्सपीरियंस था उसको, तजर्बा था, अपने घोड़े को एक एड़ लगाई और घोड़ा इतनी तेज चला कि थोड़ी ही देर में उसने अमर इब्ने आस के बेटे के घोड़े को पीछे कर दिया, और यहूदी का बेटा घोड़े में घोड़दौड़ में आगे निकल गया। जब रेस खत्म हुई तो अमर इब्ने आस का बेटा निकला, घोड़े से उतरा, और उतरने के बाद उस यहूदी बच्चे को एक थप्पड़ मारता है, ता छाटा, सर हिल गया उसका। वो बच्चा जानता नहीं था यहूदी का ये किसका लड़का है। उसने कहा, तुमने मुझे बेजा मारा है, आपने खुद ही कहा था कि कौन है जो मुझसे आगे निकल जाए, मुकाबला हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर होता है, फिर हम घोड़े को लेकर आगे निकल गए, तो इस पर आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? आपने अकारण मारा है, बेवजह मारा है, बिला सबब आपने मुझे मारा है। उसने कहा, चुप, अभी एक और मारूंगा तुम्हें थप्पड़। कहा, ठीक है, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन ये मुकदमा मैं अमीरुल मोमिनीन अमर इब्ने आस की अदालत में लेकर जाऊंगा। जब उसने अमर इब्ने आस का उसके बाप का नाम लिया तो अमर इब्ने आस का बेटा मुस्कुरा कर कहता, मेरा कुछ नहीं होगा, जाओ मुकदमा दायर करके देख लो, मेरा बाप इस इलाके का अमीर है, मेरा कुछ नहीं होगा, वो अमीरुल मोमिनीन है। यहूदी बच्चे ने सुना कि जब इसी का बाप अमीरुल मोमिनीन है तो शायद वो अपने बेटे की हिमायत करेगा और मुझे इंसाफ नहीं दे पाएगा, इसलिए मामला खामोश रहा, मामला दब गया।
उसने कहा ही नहीं। जर्जीस साहब को मालूम है कि इस लड़के ने मुझे गाली दी है, मैं अदालत में मुकदमा दायर कर दूं, और जब यह पता चल जाए कि इसी का बाप विधायक है और एमपी है, तो मेरा क्या हो जाएगा? पुलिस वुलिस को फ़ोन कर देगा, मामला दब जाएगा। तो छोड़ो, बेहतर यह कि खामोशी रहो, बेइज्जत होने से क्या फ़ायदा। यही सोचकर वो यहूदी बच्चा खामोश रह गया। लेकिन हजरत उमर हर इलाके का दौरा करते थे। एक महीने के बाद वो मिस्र में पहुँचते हैं तो हालात का जायज़ा लेते थे और लोगों को बिठा कर पूछा करते थे, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अपने अमीर से, अमर अपने आस में कोई कमी तो नहीं है? लोगों से पूछते थे अपने अमीर के बारे में, जिसको हमने गवर्नर बनाया है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जिम्मेदारी होती है। आपके इलाके में कोई आता है? कौन सा इलाका है आपका? मोहब्बतपुर। विधायक कौन है यहाँ का? जो भी हो, चलिए दो दो तीन दिन, जो भी हो अल्लाह। उस विधायक के बारे में क्या कभी चीफ मिनिस्टर आया है यहाँ पूछने के लिए कि आपको अपने विधायक से कोई तकलीफ तो नहीं है? एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ, एक मिसाल कहीं भी। मेरा इलाका है इटावा, मेरा इलाका है इटावा। बदकिस्मती से इस मरतबा जो लहर चली और ईवीएम का जो चमत्कार था, समझ रहे हैं ना मेरा इशारा? अच्छा चुप रहो यार। मेरा इलाका इटावा, इटावा से कभी भी मुलायम सिंह का कैंडिडेट कभी नहीं हारा, हमेशा इटावा से वही जीतते रहे, क्योंकि इटावा का ही मुलायम सिंह हमेशा सपाही का कैंडिडेट जीते। लेकिन इस मर्तबा का मामला ऐसा हुआ कि कुछ तो लहर थी और कुछ ईवीएम का मौजिज़ा था, करामत थी, ईवीएम का चमत्कार कह लो, हनुमान जी की और बजरंग बली की बड़ी कृपा है इस वक्त ईवीएम पर, और रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। तो इसलिए अभी भी देख रहा हूँ ना, बंगाल में एक इलाके में बटन दबाया जा रहा है टीएमसी को, वोट जा रहा है बीजेपी को। चुनाव अधिकार कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। अरे गड़बड़ी हुई है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? या कल में सोचो, अरे गड़बड़ी हुई है हम टीएमसी को दे रहे हैं तो कांग्रेस में जाना चाहिए, कभी सीपीएम में जाना चाहिए। यह गड़बड़ी ऐसी क्या है जो बटन दबाओ तो कमल पर ही जाता है? इतनी बड़ी गड़बड़ी, यह गड़बड़ी नहीं है, यह रामचंद्र जी का चमत्कार है, यह आशीर्वाद है रामचंद्र जी का, जो सिर्फ बेचारे कमल वालों को मिला हुआ है, और रामचंद्र जी की कृपा सिर्फ इन लोगों के ऊपर है, क्योंकि रामचंद्र जी भी जानते हैं कि यही हमारे सच्चे भक्त हैं, हमने कह दिया जो कहना था। समझदार होगे तो समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो रात में सोच लेना, सुबह तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी बात कह दी। और जी हिंदुस्तान वाले की खोपड़ी में बैठ गया तो चार दिन दिखाएगा, देखो कहाँ छिपा है मौलवी, मौलाना जल ममता का मौलाना, देख रहे चल ममता का मौलाना। अल्लाह का शुक्र है ममता का मौलाना बोल रहा है, हमें तो डर लग रहा है कहीं ये ना बोल दे कि मौलाना की ममता, मौलाना की ममता, डर लग रहा है कहीं ये ना बोल दे। एक ने मुझसे पूछा चैनल वाले ने कि मौलाना साहब कहाँ हैं इस वक्त, आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा यार यूपी में योगी जी नहीं छोड़ते, दिल्ली में मोदी जी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमको भाई जहां ममता मिली मैं वहां चला गया। तो हंसने लगा कि क्या बोला? हमने कहा मतलब ममता मतलब प्रेम मोहब्बत, हमने दोनों बातें कह दी। हमको जहां ममता मिली मतलब जहां ममता की दीदी है वहां हम चले गए, और ममता एक प्यार, जहां मुझे प्यार मिला, जहां के लोगों ने मुझे बुलाया मैं वहां चला गया। कहने लगा मैं सब समझ रहा हूं आप कहना क्या चाहते हैं। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अब बुद्धुओं को भी अकल आ गई है, अब मेरी बातें समझने लगे हैं। इतनी अब बताइए ये क्या कहाँ छिपा है मौलाना? फिर मैंने उसकी खैर खबर ली, मैंने कहा कि जी हिंदुस्तान की एंकर पूछ रही है कहाँ छिपा है, किस दिल में? मोदी जी ने तेरी आंख में जो चश्मा लगाया है उससे तू अंधी हो गई है, तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कहाँ हूँ। अरे मैं आज भी बंगाल में हूँ, ममता के इलाके में हूँ, अपने आदमियों को भेज और देख मैं कहाँ हूँ। देख अब चश्मा ही तेरे ऊपर लग गया, तू अंधी हो गई, तो हम क्या करें? अब किसी का चश्मा तुझे अंधा करा दे तो अपनी आँख का ऑपरेशन कराओ, मोतिया बिंद हो गया हो तो ऑपरेशन कराओ। मौलवी जर्जीस कहीं नहीं छुपा है, अल्लाह का शुक्र है कि वो इसी हिंदुस्तान में है, अपने मुल्क में है, अपने देश में है, उस देश में है जिसको मुसलमान उलमा ने अपनी शहादत और अपनी कुर्बानी और फांसी के फंदों पर झूल कर इस देश को आजाद कराया। उस देश में हूं कि अगर हमारे मौलवियों ने इस देश को आजाद ना कराया होता तो मोदी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मोदी जी को
शुक्रिया अदा करना चाहिए मुसलमान उलमा का, और हम मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए कि अगर इन मुसलमानों ने अपनी खून की कुर्बानी ना दी होती तो ये कभी सपना नहीं देख पाते, मोहन भागवत कभी इनको प्रधानमंत्री नहीं बना पाता। ये हम मुसलमानों की मिरहन मिन्नत है और ज़िंदगी भर हमेशा एहसान रहेगा मुसलमानों का मोदी जी के ऊपर। जी तो मैंने कह दिया, कहना भी चाहिए क्योंकि बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। तो मेरे भाइयों, ये एहसान तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर हम मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियां ना दी होती तो ये देश आज़ाद नहीं होता, और देश आज़ाद ना होता तो अभी अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे होते, और अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे होते तो मोदी जी का नंबर आता नहीं, वो अभी प्लेटफार्म पे चाय बेच रहे होते, थोड़ी सी तरक्की करके पकौड़े वकौड़े तल रहे होते, इतना हो जाता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। देश के प्रधानमंत्री बने तब, कब? जब देश को मुसलमानों ने अपना खून बहाकर आज़ाद कराया, लाखों उलमा ने कुर्बानियाँ दी, जब देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद हुआ तो जमहूरी निज़ाम चला, और बाबा राम भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक एक नीची जात के आदमी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। ये मिला कब? जब मुसलमानों ने खून बहाकर इस देश को आज़ाद कराया। तो एहसान किसका हुआ? हम मुसलमानों का। लेकिन चलो, हम माफ़ कर रहे हैं, मत मानो, क्योंकि तुम हकीकत का एतराफ़ कर नहीं पाओगे, और हकीकत है यही, हकीकत है यही। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी बात आगे चली गई। मैं कहना ये चाहता था कि एक महीने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, और आने के बाद जब मीटिंग ली लोगों की, पूछा कैसे हालात है, लोगों ने बताया बहुत अच्छे, अमर इतने आज सही काम कर रहे हैं, कि हाँ काम सही कर रहे हैं। लेकिन वही छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप मदीने से आ रहे हैं जी, अगर आप मुझे इंसाफ दिला दें तो आपकी मेहरबानी होगी। कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं एक यहूदी बाप का बेटा हूँ। कहा इधर आओ, हाय हाय, अपना शहर है, मुसलमानों की बस्ती है, एक यहूदी बेटे को बुला रहे हैं, कौन? अमीरुल मोमिनीन। काश योगी जी भी कभी हमको बुलाते और इस प्यार से बिठा के बोलते, बताओ बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें, बताओ ये देश सबका है, ये प्रदेश भी सबका है, तुम मुसलमान हो तो कोई आफत तो नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? काश इस तरीके से कोई पूछने वाला आज हमारे इस मुल्क में, इस देश में होता तो इस देश को सलामी दी जाती। हम तो सलामी वैसे भी देते हैं, कहाँ गद्दार लोग सलामी देंगे, जिन्होंने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा हो वो हमें छोड़ेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने उस यहूदी बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम बताओ क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हुई है? कहता अमीरुल मोमिनीन, ये इस देश, इस शहर के गवर्नर हैं मिस्र के, इनका बेटा घोड़ा दौड़ा रहा था और घोड़ा दौड़ाते हुए कहने लगा कि कोई है जो हमसे अच्छा घोड़ा दौड़ा ले, मैंने उनके चैलेंज को कबूल कर लिया, हम दोनों एक साथ घोड़ा दौड़ाने लगे, मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और मैं आगे निकल गया, अमीरुल मोमिनीन मैं जीत गया, कोई पैसा शर्त नहीं लगाता, कोई रकम शर्त नहीं लगी थी, बस एक मुकाबला हो रहा था कि मेरा घोड़ा अच्छा कि तुम्हारा घोड़ा अच्छा, मैं अच्छा दौड़ा लेता हूँ या आप, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, जब ये हार गए तो ये उतरे और सबके सामने इन्होंने मेरे एक थप्पड़ मारा, मैंने कहा कि तुमने मुझे अकाल बिला सबब मारा है, तो इन्होंने कहा चुप रहो वरना एक और मार दूंगा, मैंने कहा कि मैं इस मुकदमे को लेकर अमीरुल मोमिनीन अमर इब्ने आस के दरबार में जाऊंगा, तो इसने कहा मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है, मिस्र का गवर्नर है, वो मेरा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शिकायत बेकार कर दी जाएगी। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्ने आस की तरफ नजर डाली, उमर फारूक की नजर का अंदाजा लगा सकते हैं आप, हज़रत उमर फारूक ने जब अमर इब्ने आस की तरफ नज़र डाली, सख्त लहजे में फरमाया, है अमर इब्ने आस, जब लोग आज़ाद पैदा हुए हैं, जब लोग आज़ाद पैदा हुए हैं तो तुम्हारी गवर्नरी में, तुम्हारी अमीरी में, तुम्हारी इमारत में, तुम्हारी सदारत में, जो देश, जो मुल्क, जो शहर चल रहा है उसमें किसी को गुलाम बनकर रहने की क्या जरूरत है? बेटे को बुलाओ,
عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور حضرت عمر سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے نے ہمارے دربار میں شکایت ہی نہیں کی، اگر شکایت کی ہوتی تو میں انصاف ضرور دلاتا۔ بیٹا آ گیا، حضرت عمر نے پوچھا کیا یہی بچہ ہے عمر ابن عاص کا جس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے؟ اس یہودی بچے نے کہا امیر المومنین اسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، تھپڑ مارا ہے؟ جی مارا ہے۔ یہ جو بول رہا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے۔ لوگوں سے پوچھا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے۔ کہا یہودی بچے سے بیٹا جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے اتنی زور سے تم بھی اس کو تھپڑ مارو اور اپنا انتقام لے لو، دیش اپنا، ملک اپنا، مسلمانوں کی تعداد اپنی، لیکن ایک غریب اور یہودی بچے کو انصاف۔ اس یہودی بچے نے زور سے طلاق دار تھپڑ مارا، اتنی زور سے جتنی زور سے اس نے مارا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا حساب کتاب برابر، آئندہ خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے عمر ابن عاص تم بھی ادھر آؤ۔ میں جی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے، یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے۔ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، چاہے وہ ہندو دھرم کی تاریخ ہو، عیسائیت کی تاریخ ہو، یہودیت کی ہسٹری ہو، عیسائیوں کے پاس ہسٹری ہو، لاؤ لاؤ جو ہسٹری اسلام پیش کر رہا ہے۔ کھڑا کر دیا حضرت عمر ابن فاروق، عمر فاروق نے عمر ابن عاص کو اور اپنے ساتھ جس خادم کو لائے تھے، کہا ایک تھپڑ اس گورنر کو بھی مارو عمر ابن عاص کو۔ عمر ابن عاص نے کہا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ، بعد میں بتاؤں گا۔ کہا امیر المومنین میرا قصور کیا ہے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں۔ غلام اٹھا حضرت عمر کا اور ایک تھپڑ مارا عمر ابن عاص کے گال پر۔ کہا اب سنو تمہارا قصور کیا ہے، تمہارے بیٹے نے جب یہ جب اس نے کہا تھا میں شکایت کروں گا، عدالت میں جاؤں گا، تو تمہارے بیٹے نے کہا تھا کہ میرا باپ امیر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تمہارے بیٹے کو ہمت اس لیے پڑی کیونکہ تم امیر تھے، اور تمہارے بیٹے نے جملے اس لیے کہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی، صحیح تعلیم نہیں دی، تم نے یہ نہیں پڑھایا کہ امیر اور غریب، عہدے دار اور رعایا سب برابر ہے، اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ سبق پڑھایا ہوتا اپنے بیٹے کو تو تمہارا بیٹا یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ یہ تھپڑ اب تمہیں بتاتا رہے گا کہ تم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دو گے اور صحیح تعلیم دو گے، اور تمہاری اولاد آگے چل کر اب کسی غریب اور کسی بھی دوسرے مذہب کے آدمی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی۔ یہ انصاف تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہاں ہے مثال؟ بتائیے، تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے، ہم کہاں ہیں، کس بستی میں رہ رہے ہیں اور جس مذہب سے ہم جڑے ہیں آج ہمیں اس مذہب کی تاریخ نہیں معلوم۔ یہ انصاف جب دیکھا جاتا تھا تو میرے بھائیوں لوگ جوک در جوک اسلام کے طرف بڑھ جایا کرتے تھے اور کلمہ پڑھا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا کرتے تھے، اسلام کے دامن میں اپنا سر چھپایا کرتے تھے اور آ جایا کرتے تھے کہ ہمیں عدل یہاں ملے گا، ہمیں انصاف یہاں ملے گا۔ ایک انصاف یہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات ہوئی، ہو گئی، ارے معاملہ ختم تھا، لیکن اس کو ہوا دیکھو کیسے دی گئی۔ حالانکہ میں اس کے خلاف ہوں، سپریم کورٹ میں جب یہ عرضی دی گئی کہ 26 آیتیں قرآن سے نکالی جائیں، یہ کس نے دی ہے میں آپ سے نام نہیں پوچھ رہا ہوں، زور سے مت بتائیے گا، میں دو دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام نہیں لیتا ہوں، میری تقریر کی قیمت کروڑوں اربوں کھربوں روپے ہے،
दो दो कौड़ी के लोगों का नाम लेकर मैं इनकी हैसियत को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। भाई कुरान हदीस की कोई कीमत है क्या? करोड़ों अरबों खरबों रुपए में भी कोई कुरान हदीस को खरीद सकता है क्या? नहीं, उसकी कोई कीमत ही नहीं। दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम लें, देने दीजिए 26 आयतें निकालो, 24 निकालो। वो जो चाह रहा था हमने उसको उसके मकसद में कामयाब कर दिया। सबसे बड़ी बात यह, वो चाह रहा था कि ये हम कहेंगे तो मुसलमान आग बगूला होगा, आग बगूला होगा तो हम हुकूमत की नज़र में उतने प्यारे बन जाएंगे, और मुसलमानों की नज़र में तो वैसे ही दुश्मन हैं ही। वो जो चाह रहा था वो उसको हो गया। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार ही नहीं है कि 26 आयतें, अरे 26 तो छोड़ो, एक आयत भी नहीं निकाल सकती, और एक आयत तो छोड़ो, एक आयत का नुक्ता भी नहीं निकाल सकती। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि किसी भी मजहबी किताब, किसी भी धार्मिक किताब को घटा सके या बढ़ा सके, एक लफ्ज भी नहीं। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर अंबेडकर कानून बनाने के बावजूद, कानून बनाने के बावजूद जिनका बनाया हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद वो मनुस्मृति से वो चीज़ें नहीं निकलवा सके जो आज भी मनुस्मृति में हिंदू धर्म की नाक कटाती हैं। मसलन ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, पैरों से शूद्र को पैदा किया, और अब ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की को, शूद्र की लड़की को देख ले और पसंद आ जाए तो हरिजन को चाहिए कि वो लड़की लाकर ब्राह्मण को दे दे, और शूद्र को अगर कोई ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए और देख ले तो ब्राह्मण को चाहिए कि उसकी आंखें फोड़ दे, तूने ब्राह्मण की लड़की कैसे देखी? ये देखिए, ये लिखा है बाकायदा मनुस्मृति में, लेकिन आज तक कोर्ट इसको नहीं हटा सकी, क्योंकि कोर्ट को ये अख्तियार ही नहीं है कि किसी भी धार्मिक किताब को हटाए या घटाए या बढ़ाए। ये केस खारिज हो जाता, अपने आप खारिज हो जाता, लेकिन हमने उसके नाम को उछाला, इतना उछाला कि हमने उसको उछाल उछाल के हीरो बना दिया। हीरो, कोई औकात नहीं थी उसकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ, ये हुआ कि तू कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात करता था, तेरी औलाद ने तुझे निकाल दिया, तेरी बीवी तक ने तुझे निकाल दिया, तेरे रिश्तेदारों ने भी तुझे निकाल दिया। ये अल्लाह की वो मार है जो ऊपर से तेरे ऊपर पड़ी है, और इंशाअल्लाह, कहो जोर से इंशाअल्लाह, एक दिन तू इसी तरीके से दुनिया से भी निकलेगा और जहन्नम तेरा मुकद्दर बन चुकी है। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कुरान पर हर्फ रह क्या गया? कुरान पर एतराज रह क्या गया? और सुनो, इस कमीने इंसान ने कुरान पर ही एतराज नहीं किया, इसने तीन खलीफा का नाम लिया। इसने क्या कहा कि अबू बकर ने, उमर ने और हजरत उस्मान ने, इन तीनों ने वो 26 आयतें उसमें दाखिल कर दी जो अल्लाह ने उतारी नहीं थी, इन लोगों ने उसमें घुसा दी जो कुरान का हिस्सा नहीं है। अबे बहरुपिये, अबे सरकार के हड्डियों पे पलने वाले देशी कुत्ते, ये जुमले बोले जा सकते हैं, मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूं। अबे देशी कुत्ते, तीन सहाबियों ने जब उसको दाखिल कर दिया था तो चौथे खलीफा हजरत अली थे कि नहीं? तू ही तो उनको सबसे बड़ा मानता है, तो जब अली की हुकूमत आई तो अली ने उन 26 आयतों को क्यों नहीं निकाला? अगर मुसलमान मुजरिम हुए तो तेरी नजर में तो अली भी मुजरिम हुए। जब वो खलीफा बने, पावर उनके पास आ गया, ताकत उनके पास आ गई, तो उनको निकालना चाहिए थी ना, तो उन्होंने क्यों नहीं निकाला? इसका मतलब जिन आयतों को अली ने खलीफा बनने के बाद नहीं निकाला, तो उन आयतों को तू निकालेगा? तेरा मौला अली नहीं निकाल सका तो ये बेचारे पेशाब करके और लैट्रीन करके जो धोने की तमीज नहीं जानते, ये निकालेंगे? ये कुरान की 26 आयतों को निकालेंगे? तू भौंकता रहे कुत्तों की तरह, कुछ नहीं होना। कुरान अपनी असली शक्ल में बाकी रहेगा, कयामत की सुबह तक बाकी रहेगा, इसलिए कि इसको सरकार की तरफ से डाली गई हड्डियों पर पलने वाले कुत्तों ने नहीं नाजिल किया। इसको नाजिल करने वाली जात अल्लाह की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और सुन लो, अगर ये गलती किसी ने की, कुरान करीम की 26 आयतें तो छोड़ो,
26 लफ्ज भी नहीं निकाल सकते, और 26 लफ्ज तो छोड़ो, एक लफ्ज भी, और लफ्ज तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी अगर किसी ने बदलने की कोशिश की और हटाने की कोशिश की, रब्बे काबा की कसम उस मुल्क के अंदर कयामत बरपा हो जाएगी, उस मुल्क के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, उस मुल्क के अंदर कयामत बरपा हो जाएगी, कयामत। ये अगर नहीं यकीन आता है तो आजमा कर देख लो, एक नुक्ता भी उसका नहीं बदल सकते, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। जहां मैंने ये तकरीर कर रहा था वो दस्तारबंदी हो रही थी बच्चों के सर पर, मैंने कहा मैंने मान लिया, 26 आयतें निकाल दी गई, चलो मैंने मान लिया, पूरी दुनिया की किताबों को इकट्ठा करके ले आओ, चलो लाओ हम भी लाते हैं, वेद लाओ, रामायण लाओ, गीता लाओ, बाइबिल लाओ, इंजील लाओ, तौरात लाओ, जबूर लाओ, सब लाओ, हम भी लाते हैं कुरान, चलो। अगर है हिम्मत तो मैं चैलेंज देता हूं, आंख में आंख डालो मौलाना जर्जीज की, है हिम्मत तो आओ आंखों से आंखें लड़ाओ और लेकर आओ अपनी अपनी किताबें, हम भी अपनी किताब लेके आते हैं, और आओ आग लगाते हैं सारी किताबों में, और इसके बाद देख लेते हैं क्या बच गया है, तुम भी अपनी किताबें जलाओ, हम भी जलाते हैं, और फिर देखते हैं बचता क्या है, जो बच जाए उसी को तुम भी मान लो, हम भी मान लो, बात खत्म, जो बच जाए, जो तुम्हारे मिटाने के बावजूद ना मिट सके, समझ लो कि वही आकाशीय मजहब है, इस्लाम है, वही सच्चा धर्म है, आओ इस बात पर फैसला कर लो, हमें मालूम है ये फैसला ना तुम करोगे, ना तुम्हारे बड़े, ना इसको सफेद कपड़े पहनने वाले करेंगे, ना भगवाधारी, इस चैलेंज को कोई कबूल नहीं कर पाएगा, हमें मालूम है न तलवार तुमसे उठेगी न चलेगा खंजर, ये बाजू हमारे आसमाए हुए हैं, ये बाजू हमारे आसमाए हुए हैं, अगर यकीन ना आए तो आओ, मौलवी जर्जीस कुरान लेके आता है, तुम वेद और रामायण और गीता लेके आओ, ईसाई इंजील लेके आए, यहूदी तौरात लेके आए, बुद्ध लोग बुद्धिज्म लेकर आए, सिख लोग गुरु ग्रंथ लेकर आए, आओ अपने अपने धर्म के मानने वाले अपनी किताबें लेके आए और एक मैदान में रखकर उसको जला दें, पेट्रोल डालकर, डीजल डालकर आग लगा दें, सब किताबें जल गई, अब पूछो कि कौन सी किताब बाकी है, कौन सी किताब बचेगी, जो बच जाए वही इस्लाम, वही सच्चा धर्म है, आओ मान लें। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, आओ तो नहीं आए किताबें चलाने की बात।